अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो, होश में आने का वक्त आया। यकीनन माहौल बदल रहा है, मुल्क तस्वीर भी बदल रही है, इंसाफ के पैमाने भी बदले जा रहे हैं। लिहाजा पिछले कुछ अरसे से तशद्दुद का माहौल देखने को मिल रहा है, खुसूसन सोशल मीडिया पर कुछ नौजवान तौहीन आमोज पोस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। नबी की शान में गुस्ताखी, टिपू सुल्तान पर तौहीन आमोज पोस्ट, तो एक आध कोई मुसलमान भी बाबरी मस्जिद या राम मंदिर पर भी करने की वारदात पिछले कुछ अरसे से देखने सुनने को मिल रही। रामनगर या फोंडा गोवा में भी स्कूली बच्चे और कॉलेज तलबाओं ने बाबरी मस्जिद की पोस्ट वायरल की, तो धारवाड़ में राम मंदिर पर मुस्लिम परचम लहराने का स्टेटस रखने पर एक को हिरासत में भी लिया गया। कुछ फिरका परस्तों ने मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात पर भगवा लहराने की भी पोस्ट वायरल की। अब इन दोनों मामलों में इंसाफ के पैमाने, कार्रवाई का तरीका भी अलग अलग नजर आया। दरबार गली में 22 तारीख की रात को भीड़ दाखिल हुई, वक्त पर पुलिस ने मामला काबू में लाया, जिसके लिए इंतजामिया मुबारकबाद के काबिल तो है, पर वही भीड़ फोर्ट रोड पर जाकर पथराव भी करती रही। पर सवाल ये उठता है कि भीड़ पर कार्रवाई मुल्क में किसी भी शहर में होती हुई नजर नहीं आती। इससे पहले भी हमने देखा है कि एहतजाज अगर मुसलमान करता है तो कार्रवाई होती है और महीनों यहां तक सालों जेल में गुजारने पड़ते हैं। आज भी हुबली के नौजवान महज सोशल मीडिया में मदीने की तस्वीर की तौहीन पर कार्रवाई का मुतालबा पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। कल देर रात तक मुस्लिम नौजवान वड़गांव पुलिस थाने में मुजरिम पर कार्रवाई का मुतालबा करते रहे। कुंचानट्टी के एक नौजवान ने मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की थी। कट्टर हिंदू साम्राज्य के तहत प्रदीप मॉन्स्टर, जिसने इस पोस्ट को वायरल किया है, उसका नाम है। एक और इंस्टाग्राम पेज मयू के नाम से है, जो टीपू सुल्तान की तौहीन करने वाला वीडियो इसने पोस्ट किया हुआ। इस तरह के अब 12 वीडियोस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई करने की बजाय वो इंतजार करती है किसी की फरियाद की, और ये तमाम बेलगाम शहर और अतराफ ही से वायरल किए जा रहे हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठापना के दिन पूरे मुल्क में मनाया गया, जिसमें 5 रियासतों में फसादात बरपा करने की कोशिश भी की गई, और खासकर मीरा रोड बम्बई के वीडियोज काफी वायरल हुए। आपको ये बताना जरूरी है कि अब भारत बदल रहा है। मुसलमानों के इलाकों मोहल्लों से जानबूझकर भगवा ब्रिगेड की रैलियां निकाली जाती हैं, मुसलमानों को गाली गलौज करने वाले नारे या फिर डीजे पर गाने भी बजाए जाते हैं। इसी दौरान मस्जिद पर भगवे परचम भी लहराने की हरकत को अंजाम दिया जाता है, उन्हीं में से कोई पथराव कर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मजहबी तशद्दुद फैलाने वाला जुलूस इत्मीनान से घर पहुंच जाता है। अब यहां से मुसलमानों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का आगाज हो जाता है। जहां तशद्दुद हुआ था, वहां के रास्ते के दोनों तरफ के घरों दुकानों को पहले निशान बनाकर फसादी कहा जाता है, या फिर फसादियों को पनाह देने का इल्जाम लगाकर घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और घर के मर्दों को हिरासत में लेकर मुकदमे दायर किए जाते हैं। घरों दुकानों को एनक्रोचमेंट कहते हुए सरकारी बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जाता है। लिहाजा वही दूसरी तरफ तलवार लहराने वाले, परचम मस्जिदों पर लगाने वाले पूरी तरह से कानून के दायरे से बच जाते हैं। एक समाज के लोग मुकदमे में फंसाए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है, अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा पुलिस कचहरी वकीलों की फीस अदा करने में खर्च हो जाता है। घरों को फिर से तामीर करने वालों की जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है, क्योंकि घरों दुकानों को तामीर करते करते वैसे तो पहले ही कई नस्लों को खफाया गया रहता है, पर सरकारी लाठी से सांप भी मर जाता है, लाठी फिर से दूसरे घरों को गिराने और मुसलमानों को खौफ जदा कर हाथ में महफूज भी रहती है। मीरा रोड पर तकरीबन 15 से 20 घरों दुकानों पर बुलडोजर चला गया। जो लोग भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, इन पर कार्रवाई हुई, या फिर जो लोग तशद्दुद फैलाने वाले पोस्ट वायरल करने वालों पर कार्रवाई हुई, ये सवाल आज भी वैसे ही बाकी है। और फिर ऐसे वक्त में मुसलमानों को बड़े ही संजीदगी से फैसला लेने की जरूरत होती है। एहतजाज करने पर मामूली मुकदमे कहते हुए रोडी शीट ओपन की जाती है, नौकरियों के लिए या फिर पासपोर्ट के लिए दुश्वारियां पैदा की जाती है, और यही नया फार्मूला है जिससे एक समाज को हिरासा किया जा रहा है। यकीनन ज्यादती हो रही है और सभी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख कान और मुंह को बंद किए हुए बैठे हुए हैं। जरूरत है मोहल्ले की जमात कमेटी इदारों को बैठकर तबादला ख्याल किया जाए, लेकिन यहां पर तो उस तरह की कोई बात नजर ही नहीं आती। नुकसान होगा, पर नुकसान कम होगा, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। कुछ जज्बाती नौजवान होते हैं, इन्हें रोकने की भी कोशिश करें, क्योंकि रद्दे अमल के बाद सरकारी बुलडोजर आता है तो ज्यादा नुकसान करता है। और गैर कानूनी जमीन पर दुकानें सिर्फ एक ही समाज के होते हैं, ये भी उतना ही अहम है। मजहबी रैलियां इसी मकसद से निकाली जा रही है, और यही नया भारत है जो रोज बदल रहा है। कारपोरेशन हुकूमत को चाहिए कि किसी भी मजहब पार्टी के झंडे बैनर फौरन निकाले जाए, लेकिन हम देख रहे हैं उसी जगह पर वो बैनर झंडे फट जाते हैं पर उन्हें निकाला नहीं जाता।
फिर कारपोरेशन या सरकारी मौकमा इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता और बाज औकात यही झंडे फसाद की वजह भी बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही तो यही होता है और खुद ही से जराया फाड़ देते हैं और फिर किसी और समाज को जिम्मेदार ठहराकर शहर में हंगामा बर्पा किया जाता है। यहाँ भी हंगामा करने वाले घरों को पहुंच जाते हैं और बलि का बकरा किसी और को बनाया जाता है। फिलहाल मुसलमानों की हालत उस तरबूजे की तरह है, तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है। गोवा रामनगर की तस्वीर देखने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि कहां कहां तक मुसलमानों को इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है और गलती को मजहबी चश्मे से देखना और एक समाज का है तो उसे नाक रगड़ने पर मजबूर करना या जबरदस्ती मजहबी नारा लगाने के लिए कहना, क्या इंसाफ है? कानून न्याय व्यवस्था है? क्या वाकई संविधान खत्म हो चुका है जिस पर इन्हीं कानून के रखवालों ने कसम खाई थी कि कोई धर्म मजहब का लिहाजा न करते हुए इंसाफ से काम लेंगे? खैर, हालात को समझते हुए फैसले लेने होंगे। अकबर इलाहाबादी का वो मशहूर शेर के हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। या फिर मुस्तफा जैदी का शेर के मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। लिहाजा तमाम जिम्मेदारान, उलमा, मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा, इदारे, तंजीमों, कमेटियों को सोचना होगा और इकदाम भी करना होगा, वरना ये खामोशी नस्लों को गूंगी करने का सबब बन सकती है। कम से कम कानून के दायरे में आवाज तो उठाए, कानून के दायरे में रहते हुए सवाल करने वाले बने। अभी भी संविधान जिंदा है यकीनन, इसे खत्म करने की साजिशें परवान चढ़ रही है, लेकिन आवाज तो उठाए पर हिमाकत न करे, क्योंकि इसकी कीमत भी बड़ी है जिसे चुकाने की फिलहाल कोई सख्त मिल्लत में तो नजर नहीं आ रही, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।